शरीर एक और चेहरे दो, मानो जैसे दोनों में किसी बात को लेकर एक अजीब सी रंजिश हो। जब एक खुश होता तो दूसरे चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छा जाती, और जब एक दुख में रोने लगता तो दूसरा खिलखिलाकर हंस उठता। दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान आज भी मौजूद है जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है और ना ही समझ पाया है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही रहस्यमय इंसान 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ करता था, जिसके बारे में एक अजीब सा दावा किया जाता था कि उसके दो चेहरे थे, एक आगे की ओर था तो दूसरा पीछे की ओर, और यह दुनिया का एक इकलौता ऐसा शख्स था जिसके एक नहीं बल्कि दो चेहरे थे। दो चेहरों वाले इस शख्स का नाम एडवर्ड था। एडवर्ड का दूसरा चेहरा सक्रिय अवस्था में नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करता था तो उसका दूसरा चेहरा जाग जाता था और वह रात भर कुछ ना कुछ फुसफुसाता ही रहता था। और शायद यही कारण रहा होगा कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से काफी परेशान था, क्योंकि इसकी वजह से वह कई दिनों तक सो भी नहीं पाता था। एडवर्ड अपने इलाज के लिए कई डॉक्टरों के पास भी गए थे, लेकिन उस समय की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए उनका इलाज संभव नहीं हो पाया। और शायद आपको यह जानकर काफी गिल्टी फील हो, लेकिन डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से साफ मना तक कर दिया था। लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों, हम चाहकर भी उनकी परेशानी का अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम सभी के दो नहीं बल्कि एक ही चेहरा है। एडवर्ड के सिर के पीछे वाला चेहरा एक लड़की का था, जिसकी आंखें तो थी लेकिन वह कुछ भी देख नहीं सकती थी। इसके अलावा उस चेहरे का एक मुंह भी था, लेकिन वो उस मुंह से कुछ खा पी नहीं सकता था और ना ही ज्यादा अधिक बोल सकता था, बस वह फुसफुसा ही करता था, और वो भी नर्क के बारे में। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एडवर्ड जब खुश होते थे तो उनके दूसरे चेहरे को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था और वो उनका उपहास उड़ाया करता था। इसके अलावा जब वो रोते थे तो उनका दूसरा चेहरा खिलखिलाकर हंसता था। दोस्तों दुख की बात तो यह है कि एडवर्ड ने महज 37 साल की उम्र में अपने दूसरे चेहरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। साल 1896 की मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया में एडवर्ड की मेडिकल कंडीशन का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी इस पर कई सवाल है। लोग इसे आज भी महज एक कहानी ही मानते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आज के दौर में किसी इंसान को यह दो चेहरों वाली समस्या आए तो क्या हमारी मेडिकल साइंस के पास इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं? दोस्तों अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैं वापस लौट के आऊँगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप मेरी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं।